लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आज जो हमने अगला क्वेश्चन लिया है वो है, सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है x log x dy by dx plus y is equal to 2 upon x log x। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमने उसको लिखा। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के बाद हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट ना कर दें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy by dx plus py is equal to q। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब तक हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट ना कर दें तब तक हमको p और q की वैल्यू पता नहीं चलेगी। जब तक p और q की वैल्यू पता नहीं चलेगी तब तक हमको if पता नहीं चलेगा, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमें p की वैल्यू पता होनी चाहिए। dy by dx का जो आपको कोफिशियंट दिख रहा है इसी कोफिशियंट से आप सारे टर्मों में डिवाइड लगा दीजिए। डिवाइड करने के बाद यहाँ से आपका x log x तो हट जाएगा, यहाँ y upon x log x आ जाएगा, और यहाँ पर सोचिए 2 log x upon x, 2 log x upon का x तो आपके पास पहले से था और आपने क्या किया था, डिवाइड किया था किससे, x log x से, वो आपको यहाँ दिखेगा। अब यहाँ पर जो है इसको अगर आप ढंग से व्यवस्थित करके लिखें तो आपको आएगा dy by dx plus 1 upon x log x into y is equal to, यहाँ सोचिए ये log x और ये log x कैंसिल होकर केवल 2 upon x स्क्वायर बचेगा। अब ये जो आया ये हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म था हमारा dy by dx plus py is equal to q। अब इसका कंपैरिजन जब आप इससे कर रहे हैं तो p और q की वैल्यू आप अपनी आंखों से देखिए क्या है। p 1 upon x log x है और q 2 upon x square है। p और q की वैल्यू लिखने के बाद हमारा काम है if कैलकुलेट करना। if मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे कैलकुलेट करते हैं? e की पावर इंटीग्रेशन p dx से कैलकुलेट करते हैं। p की वैल्यू आपने 1 upon x log x निकाल रखी है, बस उसे पुट कर दीजिए। अब जब बारी आती है इसके इंटीग्रेट करने के लिए तो जरा सोचिए, अगर आपने log x को t रखा तो log x को t रखने का मतलब है कि 1 upon x dx की जगह पर dt रखना। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आप इस log x को t से रिप्लेस कर देते हैं तो 1 upon x और ये dx जो है dt में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा करते ही ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कुछ इस तरह से आएगा, e की पावर में इंटीग्रेशन 1 upon t dt, 1 upon t का इंटीग्रेशन log t, log का बेस देखिए नेचुरल है वो भी e की पावर में है, तो यहाँ से केवल आपको t बचेगा। t आपने किसको लेट किया था? log x को लेट किया था, तो आपने t की वैल्यू को वापस दे दी। इस तरह से आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो log x आ गया। एक बार अगर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो उसके बाद द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लाइन तो आपको लिखना ही है। क्या है ये लाइन? फॉर्मूला याद रखिएगा, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस का c होता है। बस आपने करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आई एफ और यहाँ पर q और आई एफ की वैल्यू रखकर इसे बस सॉल्व करना है। ये y हमारा वैसे का वैसे, आई एफ हमने निकाला था log x, q की वैल्यू थी हमारी 2 अपॉन x स्क्वायर इंटू का log x डी एक्स प्लस का c है। अब ये y इंटू log x हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ से 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। x स्क्वायर को जब हमने ऊपर उठाया तो ये x का पावर माइनस 2 नज़र आया, x का पावर माइनस 2 इंटू log x dx प्लस का c। इस वाले हिस्से को जब आप इंटीग्रेट करने चलेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, x का पावर माइनस 2 इंटू log x है। ये दोनों फंक्शन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अगर ये दो फंक्शन अलग अलग फंक्शन हैं और इनमें मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी यूवी का फॉर्मूला यूज करेंगे। यूवी का फॉर्मूला यूज करने के लिए आइलेट मेथड से आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन यू बनेगा और कौन वी बनेगा।
इंटीग्रेशन बाय पार्ट में कभी भी इस भरोसे मत रहिएगा कि जो पहले लिखा है वो यू है और जो बाद में लिखा है वो वी है, ऐसा कभी नहीं होता। दो चार क्वेश्चन में अगर हो जाए तो हर क्वेश्चन में ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, आप आईलेट का सहारा ले सकते हैं। अब यहाँ से आइए, u इंटू वी के फॉर्मूले में आप आराम से समझ सकते हैं कि log x जो है हमारा u बनेगा। हम इसे ऐसे भी समझा करते थे कि हम v उसको बनाते हैं जिसका इंटीग्रेशन होता है, और u हमारे लिए वो होता है जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसे हमने u बना लिया, uv के फॉर्मूले में हमने पुट किया। uv के फॉर्मूले में पुट करने के बाद यहाँ पर देखिए, log x हमारा वैसे का वैसे इंटीग्रेशन x की पावर -2dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d अपॉन dx log x, u का यहाँ डिफ्रेंसिएशन होता था, इंटू में इंटीग्रेशन x की पावर -2dx करली ब्रैकेट क्लोज और एक और dx हमारे सामने है। ये वाला हिस्सा हमारा वैसे का वैसे ही है। अब इस वाले हिस्से में ये 2 बाहर में है, log x ये वैसे का वैसे ही है, x की पावर -2 को इंटीग्रेट करिए। x की पावर n के फॉर्मूले से जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको x की पावर -1 अपॉन -1 मिलेगा। ये माइनस का साइन हमारा वैसे ही है, log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x और x का पावर -2, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो वापस आपको x के पावर -1 अपॉन -1 आएगा। ये y log x हमारा वैसे का वैसे ही है, ये 2 हमारा वैसे का वैसे ही है। यहां से सोचिए कि x का पावर -1 जो है वो नीचे आकर x बनेगा और ये माइनस साइन जो है इसके साथ लगा हुआ है। यहां पर सोचिए ये माइनस का साइन जो है इस माइनस को पॉजिटिव बना देगा, यहां पर प्लस आ गया, और यहां पर ये प्लस बनते ही हम इस x की पावर -1 को जब नीचे लेकर आएंगे तो x बनेगा, वो x और ये x मिलकर x स्क्वायर बनेंगे। इस x स्क्वायर को वापस जब ऊपर उठाइएगा तो आपको x का पावर -2 नजर आएगा। यहां पर ध्यान से समझिए, ये माइनस जो है इस माइनस को मिलकर प्लस बना दिया, ये x को आप डायरेक्टली ऊपर उठा लीजिए या पहले इसको नीचे लाकर मल्टीप्लाई करके ऊपर उठाइए, x का पावर -2 आएगा। ये हमारा y log x वैसे का वैसे ही है, ये 2 वैसे का वैसे ही है, ब्रैकेट में माइनस log x अपॉन x वैसे ही है। x का पावर -2 को जब आप इंटीग्रेट करिएगा वापस वही x की पावर -1 अपॉन 1 आ गया। देखिए सारा का सारा इंटीग्रेशन खत्म हो गया है। अब इंटीग्रेशन अगर सारा खत्म हो गया है तो इसी को एक सही ढंग से एडजस्ट करके लिख दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर है। इसको ढंग से एडजस्ट कर लेना है, एडजस्ट करके लिखना है, यही हमारा फाइनल आंसर होता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे मेन पार्ट जो आता है वो मेन पार्ट है इस वाले हिस्से को इंटीग्रेट करना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपने जितना भी इंटीग्रेशन पढ़ा है वो सभी इंटीग्रेशन का यहाँ पूरी तरह से यूज होने वाला है।